हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएसएस स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप फायर के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर जो है आपको कौन से ऐसे 10 क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर क्या है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसका आंसर है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो खास तौर से 5 टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहला है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम रेड कलर से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम क्रीम कलर से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड है ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम ब्लू कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम ब्लैक कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिफ्थ है वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम येलो कलर से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर पैनल जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसका आंसर है कि फायर पैनल के जो है 4 बेसिक टाइप्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कोडेड पैनल, सेकंड है कन्वेंशनल पैनल, थर्ड है एड्रेसेबल पैनल और फोर्थ है मल्टीप्लेक्स सिस्टम। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर पंप जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसका आंसर है कि फायर पंप को जो है यहाँ पर 2 मेन कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी है वो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और सेकंड है सेंट्रीफ्यूगल। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि डिटेक्टर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसका आंसर है कि फायर डिटेक्टर जो है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है स्मोक डिटेक्टर, सेकंड है हीट डिटेक्टर और थर्ड है फ्लेम डिटेक्टर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर अलार्म सिस्टम यानी कि क्या होता है। तो इसका आंसर है कि फायर अलार्म जो सिस्टम है ये लोगों को यहाँ पर जागरूक करती है, वार्न करती है जब भी स्मोक हो, फायर हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो या फिर अदर जो फायर रिलेटेड जो इमरजेंसी जब भी डिटेक्ट होती है तब। और ये जो अलार्म है ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है स्मोक डिटेक्टर से, हीट डिटेक्टर से या फिर मैनुअल जो फायर अलार्म जो एक्टिवेशन जो डिवाइस होता है उससे भी ये एक्टिवेट होता है, जैसे कि मैनुअल जो कॉल पॉइंट है या फिर पुल स्टेशन हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि क्या होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये एक फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है। अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसका ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो छोटी आग को यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है ताकि वो जो छोटी आग है वो बड़ी आग में जो है तब्दील ना हो इसकी वजह से। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर के जो है कितने क्लासेस होते हैं। तो इसका आंसर है कि फायर के जो है मेनली 5 टाइप्स होते हैं। तो इसमें है क्लास ए ऑर्डिनरी सॉलिड मटेरियल फायर, क्लास बी है फ्लेमेबल लिक्विड, क्लास सी है फ्लेमेबल गैस, क्लास डी है कंबस्टेबल मेटल्स और क्लास एफ है किचन फायर। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो हमने देखे है ये एज पर इंडियन स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर अलार्म के जो है कितने टाइप्स होते हैं। तो फायर अलार्म के जो है ऐसे कई टाइप्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो उसमें आता है आयोनाइजेशन, फोटोइलेक्ट्रिक, हीट और कॉम्बिनेशन अलार्म। अब आयोनाइजेशन जो अलार्म है वो डिटेक्ट करता है फास्ट बर्निंग फायर को, इसके साथ साथ जो स्मॉल स्मोक पार्टिकल्स होते हैं उसको भी जो है ये डिटेक्ट करता है। फिर उसके बाद है फोटोइलेक्ट्रिक अलार्म। तो फोटोइलेक्ट्रिक जो अलार्म है वो स्लो बर्निंग जो फायर्स होती है उसको डिटेक्ट करता है, इसके साथ साथ लार्ज जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं उसको भी जो है यहाँ पर डिटेक्ट करता है। फिर उसके बाद है हीट अलार्म। तो हीट अलार्म जो है वो हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और इसका ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो किचन में किया जाता है। फिर उसके बाद है कॉम्बिनेशन अलार्म। अब ये जो अलार्म है ये दोनों यानी कि आयोनाइजेशन और फोटोइलेक्ट्रिक जो सेंसर्स है इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो इस्तेमाल है वो कॉम्प्रेसिव कवरेज के लिए जो है यहाँ पर किया जाता है। फिर उसके बाद अदर टाइप के जो अलार्म है जिसमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स और स्मार्ट अलार्म, तो इसको जो है रिमोटली जो है कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्प्रिंकलर के कितने टाइप्स है, फायर यानी कि क्या होता है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एक्सटिंग्विशर क्या है, फायर पंप के कितने टाइप्स है और फायर पंप का जो है इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है ये फायर टेक्नीशियंस के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चंस है जो है कि फायर स्प्रिंकलर के जो है यहाँ पर कितने टाइप्स है। तो इसका आंसर है कि फायर जो स्प्रिंकलर है उसमें जो है कई सारे टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें आता है वेट, ड्राई, डीलर्ज और प्रीएक्शन। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर यानी कि क्या होता है। तो इसका आंसर है कि फायर जो है ये एक केमिकल रिएक्शन है जो प्रोड्यूस करती है हीट, लाइट या फिर स्मोक को।
फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कितने टाइप्स के है, उसके क्या क्लासिफिकेशन है। तो इसका आंसर है कि फायर जो एक्सटिंग्विशर है ये टोटल 5 टाइप्स के आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड है डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्थ है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और फिफ्थ है वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर पंप जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसका आंसर है कि फायर पंप जो है वो मेनली 2 टाइप्स के आते हैं। तो इसमें इंक्लूड है सेंट्रीफ्यूगल और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ये जो फायर पंप है इसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज क्या होता है। तो इसका आंसर है कि पंप का जो इस्तेमाल है वो वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है, या फिर प्रेशर मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, या फिर फायर प्रोटेक्शन जो सिस्टम है उसके लिए भी जो है पंप का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर कूलिंग मेथड्स क्या है। तो इसका आंसर है स्मूथरिंग, स्टारवेशन और ब्लैंकेटिंग जो मेथड्स है ये फायर कूलिंग मेथड्स है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा, जब भी आप फायर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर जो है 10 ऐसे कौन से सवाल जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।